आज मैं बना रही हूँ आपके सामने लिट्टी चोखा की एक रेसिपी बहुत ही अलग तरीके से। तो ये देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे चोखा। इसके लिए मैंने लिया एक बैंगन, एक टमाटर, दो मैंने मोटी लहसुन की कलियाँ लिए हैं और दो मैंने लिए हैं हरी मिर्च। अगर आपके छोटे लहसुन हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। तो सबसे पहले अब मैं ले रही हूँ कढ़ाई में ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं फ्राइंग के लिए, मस्टर्ड ऑयल, कोई भी रिफाइंड ऑयल। और ये जो सब्ज़ियाँ मैंने जो लिए हैं, सबसे पहले हम इनको तेल में फ्राई करेंगे। फ्राई करके मैं पकाऊंगी। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो मैं इसमें डाल रही हूँ बैंगन, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च, और इन्हें हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी सब्ज़ियाँ बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए, मिर्ची सबसे पहले हमारी फ्राई होगी, इसे हम निकाल लेंगे। और ये सब्ज़ियाँ, इनको मैं एक तरफ से, देखिए बैंगन भी हमारे हो गए हैं तो मैं इनको पलट लूँगी। तो इस स्टेज तक मैं इनको फ्राई करूँगी जब तक ये सब्ज़ियाँ अच्छे से पक ना जाएँ, सॉफ्ट ना हो जाएँ। तो इसे पलट पलट के मैं पकाऊँगी। ये देखिए, आप प्रेस करके देख सकते हैं कि सब्ज़ी अंदर से पकी है या नहीं पकी है, उस स्टेज तक हमें इन्हें फ्राई करना है। तो अब ये दिख रहा होगा आपको, अच्छे से हमारा बैंगन जो है, टमाटर, ये सब फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसे तेल में से निकाल लूँगी। तो अच्छे से आप तेल छान के इन सब्ज़ियों को निकाल लीजिए। ये देखिए, अब मैंने लिया एक बड़ी कढ़ाई या बड़ा बर्तन कोई भी ले सकते हैं, और ये सारी सब्ज़ियाँ डाल के हम इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं मैशर से इसे अच्छे से प्रेस कर करके इन सब्ज़ियों को मैश कर लूँगी। और चोखा बनाने के लिए हमें साथ में चाहिए होते हैं उबले हुए आलू। तो आलू मैंने पहले से ही उबाल के रखे थे, अब उनको भी मैं इन सब्ज़ियों के साथ डाल के अच्छे से मैश कर लूँगी। ये देखिए, मैंने आलू पहले से उबाल के रखे हैं। तो बेसिकली जब हम चोखा बनाते हैं तो हमारा इसका रेशियो होता है कि जो बैंगन होते हैं उसे डबल क्वांटिटी में हमारे आलू होने चाहिए। कभी भी ये बराबर नहीं होने चाहिए, हमेशा ज़्यादा होने चाहिए, तभी हमारा चोखा अच्छे से बन के तैयार होता है। तो मैंने 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इनको भी मैं अच्छे से, देखिए, मैशर से अच्छे से प्रेस कर लूँगी। और अब देखिए, अब इसके बाद मैं इसे चमचे से अच्छे से मैश करूँगी। तो हमें इन्हें तब तक मैश करना है तब तक कि ये सारी सब्ज़ियाँ आपस में अच्छे से मिल नहीं जाती। और ये जो सब्ज़ियाँ हैं, इनका छिलका उतारने की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें इन्हें डीप फ्राई कर दिया है। तो ये बैंगन, टमाटर, मिर्ची, लहसुन, इन सब के जो छिलके हैं वो आपस अच्छे से पक गए हैं। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने इनको मैश कर दिया। मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। तो 1/2 चम्मच मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून डाला है मैंने कुटी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और नमक टू टेस्ट, स्वाद के अनुसार आप नमक डालिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल, 5 से 6 चम्मच मैं ले रही हूँ इसमें मस्टर्ड ऑयल, ये कच्चा ही डलता है। और साथ में मैंने ली है 2 बारीक कटी हरी मिर्च और 1 मोटी प्याज और इसके साथ ही कटा हुआ फ्रेश धनिया। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 नींबू, ये बिल्कुल बड़े साइज़ का नींबू है, अगर आप छोटा नींबू यूज़ कर रहे हो तो आप पूरा ही डाल दीजिए। और अब इन सब मसालों को हम आपस में चोखे में मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से हमें इसे मिलाना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और याद रखिए, जो चोखा होता है इसमें जो मस्टर्ड ऑयल होता है ये कच्चा ही डलता है, इसी का फ्लेवर इसमें आता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं कि मैंने कच्चा ऑयल डाल दिया है ना, एक कैसा स्वाद होगा। तो ये कच्चा ही डलता है, इसे पका के नहीं डाला जाता, इसी का फ्लेवर इस पर होता है। लिट्टी में भी हम कच्चा ऑयल डालते हैं और चोखे में भी। तो देखिए, इस तरह से इसका टेक्सचर आएगा, इस तरह से चोखा बनके हमारा तैयार होना चाहिए। अब मैं बना रही हूँ लिट्टी के लिए मसाला। तो मैंने पहले लिया है 1/2 कप सत्तू और 1/4 कप और मैंने सत्तू लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और 1/4 चम्मच मैं डाल रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च। और ये मैंने देखिए बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्ची ली है। तो हरी मिर्ची मैं ले रही हूँ इसमें 5 से 6 और ये लहसुन मैंने पूरी एक बड़ी गांठ ली है। तो इसमें जो मेन फ्लेवर होता है ना वो इसी का ही होता है। और मैं साथ में डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल कच्चा और साथ में 1/2 बड़े साइज़ का नींबू। और अब इस मसाले को हम आपस में मिक्स कर देंगे। सबसे पहले देखिए, मैं चम्मच से इसे मिक्स कर रही हूँ और आपको दिख रहा होगा कि अभी जो सत्तू है हमारा बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये क्या है कि अभी इसमें मसाला मिक्स नहीं हुआ। जैसे हम मस्टर्ड ऑयल डालते हैं ना तो क्या होता है, इसमें गांठें बन जाती हैं, वो आपस में मिक्स नहीं हुआ होता।
तो इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में हम इसे कैसे मिक्स करते हैं। और आप मैं इसे हाथ से देखिए ऐसे अच्छे से मसल मसल के इसको मिक्स करूँगी। तो जैसे जैसे मसाला आपस में मिक्स होता जाएगा ना तो क्या होगा, इसका कलर जो है वो डार्क होता जाएगा। आपको दिखेगा लास्ट में कि सत्तू का कलर चेंज होता जाएगा। तो यही हमारे मसाले की पहचान होती है कि हमारा मसाला अच्छे से बनके तैयार हुआ है और इसमें मस्टर्ड ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया। ये देखिए हाथ से मैं मसल मसल के इसे अच्छे से मसाले को मिक्स कर रही हूँ। आपको 10 मिनट लगेंगे कम से कम ये मसाला मिक्स करने में। हमें इसकी जो ये गाँठें जो बन गई हैं इन्हें अच्छे से मसल मसल के बिल्कुल फोड़ देना है। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सा मसाला, प्लेन मसाला बनके हमारा तैयार होगा। उस स्टेज तक हमें इसे आपस में मिक्स करना है ताकि इसमें जो हमने नमक, सरसों का तेल, मसाले, नींबू सब डाला है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये थोड़ा सा जो हमारा सत्तू होता है थोड़ा सा हल्का सा गीला हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बिल्कुल सूखा पाउडर टाइप नहीं रहता। तो ये देखिए इस तरह से हमें मसाला ये सत्तू का बनाना होता है। और इसमें सरसों का तेल कच्चा ही डलता है, मैंने आपको बताया। और मेन फ्लेवर इसमें आता है लहसुन का। लहसुन आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालिए, हरी मिर्ची और सरसों का तेल और नींबू। थोड़ा सा ये जो हमारा मसाला है खट्टा होना चाहिए तभी हमारी अच्छी लिट्टी बनके तैयार होती है। तो ये देखिए अच्छे से मैं इसको मसल मसल के इस मसाले को तैयार कर रही हूँ। और आपको दिख रहा होगा इसका कलर कितना ज़्यादा डार्क हो गया है पहले के कंपैरिजन में। तो ये देखिए पास से मैं दिखा देती हूँ, इस तरह से ये बनके मसाला हमारा तैयार होना चाहिए। और अब इसको हम स्टफ़ करके आटे में बनाएंगे इसकी लिट्टी। तो मैंने लिया है बिल्कुल प्लेन आटा जो हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं वो मैंने लिया है। उसकी एक चकली हम ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने उसमें सूखा आटा लगाया और इसके बाद अब प्रेस कर करके मैं इसको अच्छे से फैला लूँगी ताकि हम इसमें ये सत्तू का जो मसाला है वो भर सके। तो जैसे हम कचौड़ी बनाने के लिए हम जो बैटर भरते हैं, मसाला बनाते हैं, बेसिकली उसी तरीके से बन के तैयार होती है ये। तो ये आटे को मैंने अच्छे से फैला लिया, ये देखिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सत्तू। तो एक चम्मच मैं सत्तू डाल रही हूँ। याद रखिए मसाला बहुत ज़्यादा गीला नहीं होता, सूखा होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो ये फट सकता है। तो एक चम्मच इसमें बहुत है, बड़े साइज़ का मैंने चम्मच, एक चम्मच इसमें डाल के इसको स्टफ़ कराया। ये देखिए अच्छे से भर के और मैं इसको प्रेस कर करके इसको देखिए साइड से अच्छे से हम प्रेस कर देंगे जो ताकि जो सत्तू है बिल्कुल बराबर तरीके से सारी तरफ फैल जाए। ये कहीं से मोटा पतला नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से मैं साइड से प्रेस कर करके इसको इस शेप का हम बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने 3 से 4 लिट्टियाँ बना ली हैं। और अब मैं कढ़ाई में ले रही हूँ बिल्कुल गर्म ऑयल, बिल्कुल हॉट ऑयल आपका होना चाहिए, अच्छे से तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें ये लिट्टियाँ डालेंगे। तो याद रखिए जो लिट्टी जो होती है वो बिल्कुल लो फ्लेम पर बनती है, इसको हम मीडियम और हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं बनाते हैं, नहीं तो ये कच्ची रह जाएगी। और ये देखिए लो फ्लेम पे करके धीरे धीरे मैं इसको अलट पलट करके दोनों तरफ से अच्छे से पकाऊंगी। तो ये लिट्टी जो बनने में हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं हमारे, बिल्कुल लो फ्लेम पे धीरे धीरे इनको पकाया जाता है दोनों तरफ से। तो मुझे इसको दोनों तरफ से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर की चाहिए जैसे हम कचौड़ियाँ बनाते हैं, और उस स्टेज तक मैं इनको फ्राई करूँगी। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कलर चेंज हो गया। और ये देखिए ये अच्छे से दोनों तरफ से पक गई है। और ये बिल्कुल देखिए जब तक बनती है बिल्कुल फूल जाती है। तो ये इससे पता चलता है कि लिट्टी हमारी अच्छे से पक गई है। ये देखिए इस तरह से बनके तैयार हुई है। और अब मैं बताती हूँ कि ये खाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले एक प्लेट में मैं ले रही हूँ चोखा और इसके साथ मैं ले रही हूँ लिट्टी जो बिल्कुल बन के तैयार हुई है गर्मा गर्म। अब हम क्या करेंगे देखिए, इस तरह से मैं एक लिट्टी लूँगी और उसे चम्मच से ना इस तरह से मैं फोड़ूँगी बीच में से। बिल्कुल जब गर्मा गर्म बन के तैयार है उसी स्टेज पे आप इसे इस तरह से फोड़िए। और इसमें 1 से 1.5 चम्मच मैं डालूंगी मेल्टेड देसी घी। ये देखिए इस तरह से डाल के और मैं इसको सर्व करूंगी। लेकिन फिर मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से हम इसको फोड़ेंगे चम्मच से और इसमें मैं डाल दूँगी देसी घी और इसको मैं सर्व करूँगी। इससे क्या होता है जो देसी घी होता है ना बिल्कुल सत्तू के मसाले में अंदर तक चला जाता है और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है, बहुत अच्छा इसका स्वाद आता है। ये देखिए इस तरह से मैं इसको सर्व करूंगी। और इसके साथ मैं ले रही हूँ प्याज और साथ में मैं लूँगी हरी चटनी, धनिया पुदीने की मैंने चटनी ली है। ये देखिए इस तरह से बनके तैयार हुए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।